हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। तो आज लेके आया दोस्तों मैं कुछ इस तरह से फोटो की एडिटिंग, आपने देख ली होगी ठीक है थंबनेल के अंदर। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है दोस्तों पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर हम आ जाएंगे ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है कि आपको एक 1:1 का एक पेज ले लेना है ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पेज ले लिया है 1:1 का या तो स्क्वायर टाइप का ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ब्रश में आकर आपको क्या करना है कि कुछ इस तरह से ये साइज़ है जो आपने देखा अभी, आपको अपने हाथ से कुछ इस तरीके से फेर देना है ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों ठीक है, कोई ज़्यादा मतलब कि रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। बस आपको कुछ उंगलियों से कुछ इस तरीके से कर लेना है। अगर दोस्तों आपसे नहीं बन पाता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं इसका लिंक दे दूंगा मतलब कि फ़ोटो दे दूंगा आपको ठीक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहे तो इसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हो बहुत ही आसानी से ठीक है। तो ये हो गया ठीक है। अगर जिन लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं इसको फिर से मैं सेव कर लेता हूँ और मैं इसको बैक कर देता हूँ ठीक है। तो पहले मैं इसको पैक कर देता हूँ, फिर से एक बार बना के दिखा देता हूँ। इस बार मैं थोड़ा सा पेंसिल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखूँगा ठीक है, 27 के आसपास ठीक है दोस्तों। तो इतना कर देने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो मैंने पहले कुछ इस तरीके से मैं फेर रहा हूँ, बहुत ही आसान है दोस्तों। आप करके देखना, ट्राई करके देखना, बहुत ही मज़ा भी आएगा आपको, अच्छा लगेगा ठीक है। तो कुछ इस तरीके से करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि हमारा ये बन चुका है ठीक है ब्लैक कलर का। तो इतना कर देने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पर आकर बिल्कुल इसको सेव कर लेना है फ़ोटो को ठीक है। तो इतना कर देने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, फ़ोटो को सेव कर लेने के बाद अब हम चलेंगे बैक, जो ऊपर वाइट कलर का आपको एरो दिख रहा है ना दोस्तों, उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे आपको एडिट इमेज के ऊपर क्लिक करना है तो आप यहाँ पर आ जाओगे ठीक है। अब आपको यहाँ पे दोस्तों एक फ़ोटो चूज़ करनी है ठीक है, जो अभी अभी हमने बनाई थी ये वाली ठीक है। तो ये वाली फ़ोटो मैं थोड़ा सा पहले बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद दोस्तों जो आपको वहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा राइट साइड में, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे वो फ़ोटो ले लेनी है जो आपने अपनी कट करके रखी है, बैकग्राउंड इरेज करके रखा है। अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो वीडियो देखकर आप जान सकते हो कि कैसे आप अपनी HD क्वालिटी के अंदर फोटो को कैसे इरेज कर सकते हो, बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको फ़ोटो को पहले मैं एडजस्ट कर लूँगा आपके सामने ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको भी एडजस्ट कर लेना होगा ठीक है, थोड़ा सा दोनों उंगलियों को आपको प्रेस या खींच कर आपको इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है फ़ोटो को ठीक है। पहले मैं इसको थोड़ा सा मॉडल को मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँगा एंड इसको थोड़ा सा सेंटर में रखेंगे ठीक है, बिल्कुल सेंटर में रखना। ये नहीं कि मतलब कि कहीं ब्लैक वाला कहीं और भाग रहा है, मॉडल कहीं और भाग रहा है ठीक है, बिल्कुल सेंटर में रखना है। अब चलेंगे दोस्तों हम यहाँ पर टूल्स के ऑप्शन के अंदर ठीक है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको जाना है एडजस्टमेंट के अंदर एंड एडजस्टमेंट के अंदर आने के बाद सेचुरेशन आपको कर लेनी है बिल्कुल ही डाउन ओके। तो डाउन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा है ना, वो इरेजर वाला वहाँ पे साइड में आपको लेफ्ट साइड में सेकंड नंबर पर ठीक है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों तो आपको इन्वर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा ठीक है। तो इन्वर्ट के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे ठीक है तो अब आपको इसके स्किन के ऊपर कुछ इस तरीके से फेर लेना है ठीक है। तो कुछ इसके स्किन पे आप जो इस तरह से फेरोगे तो क्या होगा दोस्तों कि जो आपका जो सारा मतलब कि बैकग्राउंड हो गया, बाल हो गए, ये ब्लैक ब्लैक सा हो गया, ये सब हो जाएंगे बिल्कुल डल कलर के, जो आपका स्किन होगा ब्राइट हो जाएगा, काफ़ी देखने के अंदर अच्छा लगेगा फोटो ठीक है। तो हम अभी इसको HD के अंदर भी बनाएंगे, वो हम बनाएंगे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, बस आप देखते रहिए हम कैसे बनाएंगे ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान से सुन लो मेरी बात दोस्तों ठीक है, आपको क्या करना है ये ब्रश वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है एंड अब आपको क्या करना है इसके जो पहले ना आपको ये जो साइड में थोड़ा सा निकल रहा है ना भद्दा सा लग रहा था, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा तो मैंने इरेज कर दिया ठीक है। तो ये अभी भी सही नहीं लग रहा, तो अब हम क्या करेंगे ब्रश के ऊपर क्लिक करेंगे, इसका थोड़ा सा ना साइज़ बढ़ाएंगे एंड ओपेसिटी हम कर देंगे 100 ठीक है। तो इतना कर देने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा इस काम के अंदर थोड़ा सा आपको दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा वो लग सकता है, मेहनत लग सकती है ठीक है। तो आपको हाथ के ऊपर कुछ इस तरीके से फेर लेना है, आप चाहते हो दोस्तों हाथ के ऊपर तक भी फेर सकते हो ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, वैसे चल जाएगा काम ऐसे भी ठीक है। पहले मैं इसको कर लेता हूँ इरेज एंड बस दोस्तों हो गया है यहाँ पर ठीक है। एंड हल्का सा थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी फेर दूंगा, बस 1 मिनट ठीक है।
इतना कर देने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है। और हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं कोई भी पीएनजी फोटो एक्स्ट्रा कुछ भी यूज़ करूँगा या दोस्तों उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेना इस फोटो को भी, और मैं ये भी लिंक दे दूंगा कि आप किस तरीके से आप अपनी फोटो को इरेज कर सकते हो, ठीक है। तो उसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर देख लेना, वहाँ से बहुत ईजी तरीके से सब समझाया है मैंने, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, फिर से ड्रॉ टूल के अंदर जाना है एंड थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके कर लेना है फोटो को सेव। अब चलेंगे दोस्तों हम लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो अडोब लाइटरूम एप्लीकेशन, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो सभी चीज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई मैंने कर लिया है फोटो को ऐड, तो ठीक है। तो अब मैंने फोटो को कर लिया है यहाँ पर ऐड। तो फोटो को ऐड करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा है ना लाइट वाला, तो ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड इसका जो एक्सपोजर होगा दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना, ठीक है। थोड़ा सा हम इसके अंदर एडजस्टमेंट करके देखेंगे कि फ़ोटो कैसे सही लग रही है, ठीक है। लाइटिंग कंडीशन वगैरह वगैरह इसके अंदर वाइट बैलेंस, ठीक है, ब्लैक थोड़ा सा सही करके देख लेंगे हम, ठीक है। आपको अपनी फ़ोटो के अकॉर्डिंग सही करना होगा, क्योंकि ये हर फोटो के ऊपर अलग अलग तरीके से सेट होता है, ठीक है। तो बस आपको जाना है प्रीसेट वाले ऑप्शन के अंदर। अब यहाँ पे आपको दोस्तों मैट दिखाई दे रहा होगा, मैट का, तो आप देख सकते हो दोस्तों जैसे कि उसके ऊपर मैंने आपको क्लिक करा। अब मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ, पहले कैसी थी अब आप कैसी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैट लुक करने के बाद दोस्तों इसकी फ़ोटो के अंदर एक अलग ही चमक सी आ गई है ना, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है HD क्वालिटी में। तो ऐसे ही दोस्तों मैं रोज़ नई नई वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो भाई डिसलाइक कर देना। तक लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।